हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स केस लॉ के बारे में वो केस लॉ है डिस्प्यूट इनकम टैक्स डिस्प्यूट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हाँ जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है जो कि अभी एक बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी है इंडिया में और शायद ये कह सकते हैं कि वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है इस देश की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक डिस्प्यूट अराइज़ होता है क्यों अराइज़ होता है क्या कारण है ऐसी वो कौन सी लॉ की कंडीशंस हैं जो नेशनल कांग्रेस पार्टी ने सेटिस्फाई नहीं की हैं उसकी वजह से डिमांड रेज होती है कितने की डिमांड रेज होती है उसके बाद डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेता है ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिस्प्यूट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मैटर रिलेट करता है असेसमेंट ईयर 2018-19 में बिफोर कमिंग टू द स्पेसिफिक डिस्प्यूट यहाँ पे हमें सेक्शन 13 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन समझना बहुत जरूरी है सेक्शन थर्टीन ए जो है वो इनकम एग्जेम्ट करता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रोवाइडेड ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस सेक्शन थर्टीन ए जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनकम को एग्जेम्प्ट करता है पॉलिटिकल <coughs> पार्टीज़ की इनकम में डोनेशंस होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं रेंटल है रेंटल इनकम होती है और दूसरी दूसरी जो इनकम्स हैं कुछ रिटर्न्स होते हैं इन्वेस्टमेंट पे जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ये सारी इनकम सेक्शन थर्टीन ए के द्वारा एग्जैम्ट की जाती है इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन में यहाँ पे सेक्शन थर्टीन ए में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमारे लिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है सेक्शन थर्टीन ए ये कहता है कि हम आपको एग्जम्पन दे देंगे इनकम टैक्स एक्ट आपको एग्जेम्शन दे देगा प्रोवाइडेड पहली कंडीशन ये है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल करेंगे यहां पे कांग्रेस नेशनल पार्टी ने अपनी रिटर्न फाइल करी है एक्चुअल में सेकेंड फेब 2019 को जबकि ये रिटर्न फाइल होनी थी ऑन और बिफोर सितंबर 2018 तक हाँ जी तो यहाँ पे डिले इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो डिलेड फाइल करी है तो हम आपको सेक्शन थर्टीन ए की एग्जामेशन नहीं देंगे ये पहली कंडीशन का वॉयलेशन है सेकेंड कंडीशन का वॉयेशन ये है कि सेक्शन थर्टीन ए ये कहता है कि अगर आपको कैश कॉन्ट्रीब्यूशन कैश में वॉल्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप वो कैश का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ दो हज़ार रुपये तक का ही ले सकते हैं अगर आप दो हज़ार से ज़्यादा का कैश कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ कंडीशन एज मैंशन इन सेक्शन थर्टीन ए उसके बाद आपको सेक्शन थर्टीन ए की एग्जेपन जो है वो नहीं मिलेगी यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी ने टू थाउजेंड रुपीज़ के वॉल्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा के अमाउंट जो है वो कैश में लिए हुए हैं तो ये चीज़ जब डिपार्टमेंट के सामने आई तो डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है तो हम आपके सेक्शन थर्टीन ए की एग्जैम्पन नहीं दे सकते राइट right. अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की तो यहाँ पर सेक्शन थर्टीन ए में कांग्रेस पार्टी ने एग्जाम्शन क्लेम की अप्रोक्सीमेटली 199 करोड़ की और टैक्सेबल इनकम डिक्लेयर करी बाय क्लेमिंग ऑफ सेक्शन अब मैटर एग्जामिन होता है इंटीमेशन आती है डिपार्टमेंट इंटरवेंशन होता है असेसिंग ऑफिसर डिमांड रेस करते हैं 94 करोड 44 फोर लैख नाइनटी फोर की बिकॉज ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जेन अंडर सेक्शन थर्टीन ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 सिक्सटी वन हाँ जी ये ह्यूज डिमांड जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो रेस कर देता है अब इस डिमांड को लेके जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी जाती है आईटीएटी के पास इमीडिएटली स्टे मांगने के लिए अब आईटीएटी कहती है कि जो साहब असेसिंग ऑफिसर ने किया है वो विद इन द परव्यू ऑफ लॉ किया है एंड वी फाउंड दैट एवरीथिंग दैट हैज बिन डन बाय द असेसिंग ऑफिसर इज कंसिस्टेंट विद द लॉ मतलब के असेसिंग ऑफिसर ने जो भी किया है वो लॉ के अकॉर्डिंग किया है तो हम आपको स्टे ग्रांट नहीं कर सकते ये इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल डेली बेंच का जजमेंट है यहां पे आई दिल्ली ने स्टे एप्लीकेशन कांग्रेस पार्टी की जो है वो रिजेक्ट कर दी उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट अटैच होते हैं राइट और जो ऊपर 99 करोड़ की जो डिमांड 94 करोड़ की जो डिमांड रेस की गई थी बैंक अकाउंट अटैच होने के कारण से 65.94 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिकवर भी कर लिए जाते हैं हाँ जी डिपार्टमेंट नेशनल कांग्रेस पार्टी से 94 करोड़ में से 65 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिकवर लगभग कर लेता है राइट सो यहाँ पे आई ने अपने ऑर्डर में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं आई लिखती है कि साहब इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो टाइमली कंप्लाइंस की बात करते हैं और हर व्यक्ति को इस देश में हर पर्सन को हर इंस्टीट्यूशन को हर ऑर्गेनाइजेशन को वो लॉ वो कानून जो है वो फॉलो करना चाहिए चाहे वो क्यों ना एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो तो ये कानून जो है सबके लिए समान है एक जैसा सबके ऊपर अप्लाई होता है सबको फॉलो भी करना चाहिए और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉम्प्ट एक्शन और टाइमली एक्शन टाइमली कंप्लायंस इन इनकम टैक्स इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट अगर आप समय से चूक जाते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस बन के आपके सामने आ सकता है तो इनकम टैक्स की कंप्लायंस को कभी भी लाइटली ना लें टाइमली कंप्लायंस करें बी वेरी एक्टिव एंड बी वेरी प्रॉम्प्ट इन कंप्लायंस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एक्ट समय से कंप्लायंस करें तो मैटर अभी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आता है यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जो आई टी आई टी के रिजेक्शन है उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल की हुई है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये था नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो इनकम टैक्स डिस्प्यूट है उसके रिलेशन में कुछ डिटेल जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे शेयर की है अगर आपको डिटेल जो है वो पसंद आई ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय